नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दिलीप जगवानी आपके साथ और आप देख रहे हैं लोकसौ टीवी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस भवन में विवाद की गूंज, प्रदेश कार्यालय पहुंची पूर्व महापौर से 24 घंटे में मांगा जवाब। यादव पटेल समाज आमने सामने गौ सेवा आयोग का, विशेषज्ञ सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध। पाताल से निकली पानी की पतली धार, धसने के डर से कांप रही सड़क, फूट सकता है फव्वारा। और पत्रकार गृह निर्माण समिति के संजीव पांडे अध्यक्ष, इरशाद अली बने उपाध्यक्ष, बहुमत वाली टीम ने दोहराया संकल्प। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरबा चौक बिलासपुर। आइए खबरों को देते हैं विस्तार। आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के लिए बुधवार को कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में विवाद हो गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी में प्रभारी महामंत्री सुबोध हरित्वाल और पूर्व महापौर राजेश पांडे के बीच तीखी बहस हुई। विवाद तू तू मैं तक पहुंच गया। पार्टी ने इस पर एक्शन लेते हुए पूर्व महापौर राजेश पांडे को असंसदीय भाषा में बात करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला शहर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विजय पांडे ने नोटिस का जवाब 24 घंटे में देने कहा है। सूत्रों के अनुसार राजेश पांडे ने सीनियर नेताओं को बोलने का मौका नहीं देने पर आपत्ति जताई और कहा कि वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज करना अनुचित है। इस पर सुबोध हरित्वाल ने कहा, जो जवाब उन्होंने दिया उसमें तू हमें नियम कानून बताएगा। इसके बाद दोनों के बीच तीखे शब्दों का इस्तेमाल बढ़ गया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि राजेश पांडे की आवाज से पूरा कांग्रेस भवन गूंज उठा। वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया, जिससे मामला और गर्मा गया। घटना के बाद गुरुवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व महापौर राजेश पांडे को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इस घटना को पार्टी के अंदरूनी मतभेद और चुनावी तैयारियों में बाधा के रूप में देखा जा रहा है। कौन सी बात पे किसी के दो लोगों के बीच में गर्मा गर्मी हुई ऐसा मुझको लगा, तो मैंने जा करके उनको समझाइश दी कि ये ठीक नहीं है। लेकिन केवल गर्मा गर्मी बातचीत नहीं हुई है, कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं है। अब देखिए, वहाँ तो मैं गया ना, तो दो एक दो लोगों की आवाज़ें आ रही थी, हरित्वाल जी और राजेश पांडे जी, और दोनों हमारे बहुत एक प्रभारी हैं जिले के, और राजेश पांडे जी पूर्व महापौर रहे हैं, वो भी दोनों यानी बहुत परिपक्व लोग हैं। अब किस बात से हुई तो मुझसे जितना समझाइश देते बना मैंने दिया, उसके बाद लगभग बातचीत खत्म हो गई थी। पार्टी और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नहीं, अगर गर्मा गर्मी बातचीत होती है तो कहीं भी मैसेज अच्छा नहीं जाता। इधर धान खरीदी की प्रगति की समीक्षा कर रहे कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने अधिकारियों से कहा, किसानों को धान बेचने से लेकर भुगतान पाने तक के सारे काम आसानी से हो जाए, ऐसी व्यवस्था बनाए रखे। जिले में अब तक 135 करोड़ रुपए का 43,597 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। लगभग 10,000 से ज्यादा किसानों ने खरीदी केंद्रों पर धान बेचा है। इस बीच अवैध धान संग्रहण और परिवहन करने वालों के विरुद्ध 16 प्रकरणों में लगभग 15 लाख रुपए का 470 क्विंटल धान अवैध जब्त किया है। कलेक्टर को बारदानों की उपलब्धता की जानकारी देते हुए जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि नए और पुराने दोनों तरह के बारदाने पर्याप्त मात्रा में हैं। डीएमओ ने बताया कि गत वर्ष से ज्यादा मात्रा में धान की आवक बनी हुई है। खरीदी केंद्रों पर संभावित जाम और टोकन कटाने की भी जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने भुगतान की कोई समस्या नहीं आने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में चावल जमा की प्रगति की भी समीक्षा की। बताया गया कि नान्ने में जो है 99.52% और FCI में 80% चावल जमा किया जा चुका है। बैठक में खाद्य सहकारी मार्केट नॉन और जिला सहकारी बैंक और बीज निगम के अधिकारी उपस्थित थे। दर्शकों, एक ब्रेक लेने का वक्त हुआ है, हम जल्दी खबरों का क्रम जारी रखेंगे। न्यू वंदना हॉस्पिटल बिलासपुर, बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना पहचाना विश्वसनीय नाम डॉक्टर चंद्रशेखर उइके। हमारे यहाँ 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU की सुविधा,
डायलिसिस व वेंटिलेटर की सुविधा, हृदय रोग, डायलिसिस, किडनी का संपूर्ण इलाज, ब्रेन व स्पाइन की सर्जरी, न्यूरो एवं सर्जिकल आईसीयू की सुविधा, एक्सीडेंटल मरीजों का इलाज, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा, साथ ही महिलाओं से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, 24 घंटे इमरजेंसी पैथोलॉजी व दवाई दुकान। हमारा पता न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, बिलासपुर। साथ ही न्यू वंदना हॉस्पिटल सीएलसी प्लाजा के पीछे मंगला चौक बिलासपुर। के बाद आपका फिर से स्वागत है। विशेषर सिंह पटेल को राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने का विरोध शुरू हो गया है। यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यादव ने इसे उनके समाज की उपेक्षा बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यादवों की संख्या अधिक है और हर चुनाव में यह समाज भाजपा का समर्थन करता आया है। बावजूद इसके गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष पटेल समाज से बनाना उनके लिए निराशाजनक है। रमेश यादव ने कहा कि इस फैसले का खामियाजा पार्टी को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। यादव समाज के इस विरोध के बाद भाजपा के फैसले पर सवाल खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ में यादव समाज की जनसंख्या लगभग 35 लाख की है और आज जिस ढंग से हम लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जिस ढंग से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है शासन के द्वारा, उससे ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल शून्यता पर आके खड़े हो गए। गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने की बात आई तो भाई विशेषर पटेल को बना दिए। उसमें समाज में एक बहुत बड़ा आक्रोश, हमको बहुत बड़ी उम्मीद थी और इससे लगता है कि समाज अब लगभग अपने विचारों में बदलाहट ला सकती है। आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बैठक लेकर रिचार्ज कर रहे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, दिसंबर में होने वाला विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफी छोटा है, लेकिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री के ट्रेन से यात्रा करने के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को बस्तर की यात्रा भी ट्रेन से करनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो ट्रेनें रद्द की जा रही है और मुख्यमंत्री इसमें यात्रा कर वाहवाही लूटने में लगे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक लेने पहुंचे थे। निश्चित रूप से हम लोग लगातार अभी जिलों की बैठक कर रहे हैं और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं साथ बैठक कर आगे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार हम कार्यकर्ताओं से बैठक पार्टी ने शुरुआत कर दी है और कार्यकर्ता और नेताओं से मिलकर निश्चित रूप से आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां पार्टी अपने स्तर पर कर रही है। इसके साथ ही हम पहुंच चुके हैं एक और पड़ाव यानी ब्रेक पर। आप हमारे साथ बने रहिए। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. मार्क हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है 12 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ यूरोलॉजी विभाग में किडनी के समस्त रोगों का इलाज, किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा, लेजर मशीन द्वारा किडनी का इलाज, किडनी फेल मरीजों का संपूर्ण इलाज, हार्निया, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं जनरल सर्जरी, हड्डी रोग विभाग में जॉइंट रिप्लेसमेंट, फूले की हड्डी, घुटनों के जोड़ों का ऑपरेशन, आंखों का संपूर्ण इलाज, दांतों की संपूर्ण समस्या का समाधान दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, डायलिसिस की सुविधा, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर यूनिट के साथ ही पैथोलैब एवं फार्मेसी की सुविधा। हमारा पता मार्क हॉस्पिटल, चाटीडी रोड, सरकंडा, बिलासपुर। के बाद खबरों का क्रम आगे बढ़ाते हैं। अमृत मिशन के पाइप में लीकेज होने से सरकंडा मुख्य मार्ग में कभी भी झरना
फूट सकता है। इससे पहले ऐसी घटनाएं लोगों ने शहर में कई बार देखी है। पानी रिसने से सड़क खोखली हो रही है। अशोकनगर चौक में नाली पर रखे जर्जर स्लैब समस्या बढ़ा रहे हैं। शहर में सड़कों और गलियों का बुरा हाल देखकर कहना गलत नहीं होगा कि अमृत मिशन योजना एक, समस्याएं अनेक। बीते 2 साल में पाइपलाइन बिछाने 100 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें खोदी गई है। मुख्य मार्ग के अलावा घर घर पानी पहुंचाने गली मोहल्लों में भी खुदाई अभियान चलाया है। इसके बाद से सभी जगह बुरा हाल है। रेस्टोरेशन में नियम का पालन नहीं करने से ज्वाइंट खुलने और पाइप लीकेज की समस्या खड़ी हो रही है। सरगंडा मेन रोड अशोकनगर चौक में पानी की पतली धार न जाने कब शुरू हुई है, जिससे स्थानीय व्यापारी और दुकानदार आज तक बेहद परेशान है। उनका कहना है 24 घंटे पानी रिसने से सड़क खोखली पड़ गई है। वाहनों का दबाव इस पर साफ दिखता है। कल यहां पानी का फव्वारा निकल आया तो शिकायत करने वालों को जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। वे कहते हैं, सरकारी काम में भ्रष्टाचार भला कौन रोक सकता है। आप देख रहे हैं कि अमृत मिशन का पाइपलाइन लीकेज है। वो सामने में चेंबर जो बना हुआ, उसमें आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। हम लोग को चेंबर के ऊपर में गाड़ी को आड़ा खड़ा करके रखना पड़ता है, जिसमें किसी का एक्सीडेंट ना हो। पुलिस वाले आते बोले आड़ा गेट क्यों खड़े किए हो, तो हम लोग को बताना पड़ता है। जो स्पीड में आते हैं वो चक्कर के गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाता है हम लोग का। उसमें एक गैप है जिसमें आदमी लोग का, पैदल वालों का, कई लोग का पैर फंस गया है, जिसमें चोटें आ गई हैं। चैम्बर तो बहुत गलत तरीके से बना है और यहाँ दिन रात, मतलब मुख्य मार्ग अशोकनगर चौक, 6 रास्ते हैं। यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस भी ढंग से कार्य नहीं करते हैं, नहीं तो कुछ सुरक्षा हो सकती है। तो बस यही है कि जो चैम्बर है और ये अमृत मिशन का कार्य, इसको ठीक से निर्माण फिर से कराया जाए। सर, ये जब से पाइपलाइन बिछी है करीब 1.5-2 साल हो गया, तब से 2 साल से ज्यादा परेशानी है। पानी की तेज पतली धार देखकर मानो लगता है ये पाताल से निकली है। लेकिन नगरवासी जो शहर के उबड़ खाबड़ सड़क पर चलने के आदि हो चुके हैं, उनके आसपास जर्जर चेंबर रखे हुए हैं, जिनसे आए दिन हादसे होते हैं। सब कुछ देख रहे हैं। साबूत सड़क अगले दिन खोद कर बदहाल बना दिया जाता है। नगर निगम के इंजीनियर और अधिकारी ठेकेदार पर नियंत्रण रखने असफल हो चुके हैं, इसलिए जनता परेशानियां ढो रही है। कैमरामैन जयेंद्र गोली के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। सिम्स मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था में कसावट और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को दुरुस्त रखने लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए तकरीबन हर महीने 2 मरतबा कलेक्टर का दौरा यहां हो रहा है। गुरुवार को कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने यहां पहुंचकर भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और उनसे मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने निरीक्षण के दौरान पिछले निर्देशों का पालन करने की जानकारी दी। इस दौरान कलेक्टर ने विभिन्न विभागों में कामकाज देखा, साथ ही बदलाव के लिए किए जाने वाले अंदरूनी निर्माण सीवरेज के कामकाज का अवलोकन भी किया। इस खबर के साथ ही एक और ब्रेक लेंगे दर्शकों, हम जल्दी लौटते हैं। श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, विश्वसनीयता व सेवा का पर्याय, आधुनिक व तकनीकी उपकरणों के कारण बेहतरीन परिणाम की गारंटी, जहां है छाती रोग में सांस व फेफड़ों से संबंधित सभी रोगों का इलाज, हड्डी रोग में कंप्यूटराइज सर्जरी के साथ ही ट्रामा केयर, घुटनों का पूर्ण प्रत्यारोपण व स्पाइन सर्जरी, न्यूरोलॉजी विभाग में दिमाग एवं नसों के समस्त उपचार रियायती दरों पर उपलब्ध, हमारे यहाँ बेस्ट कैथ लैब में एंजियोग्राफी के साथ ही सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, 24 घंटे आपातकालीन उपचार की सुविधा भी। हमारा पता श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, गुरु नानक चौक, तोरवा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा, अपना भूत, वर्तमान और भविष्य। विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय, विवाहित जीवन दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या। अपने शहर में पैसा बहुत बढ़ रहा है, व्यवसाय बढ़ रहा है, लोग धड़ाधड़ पैसे कमा रहे हैं, आप कमा रहे हैं कि नहीं, ये जानने के लिए हाथ के प्रिंट का सहारा लेके आप जान सकते हैं। नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा।
ब्रेक से लौटाने के बाद आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। कांग्रेस भवन में विवाद की गूंज, प्रदेश कार्यालय पहुंची पूर्व महापौर से 24 घंटे में मांगा जवाब। यादव पटेल समाज आमने सामने गौ सेवा आयोग का, विशेषर सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध। पाताल से निकली पानी की पतली धार, धसने के डर से कांप रही सड़क, फूट सकता है फव्वारा। और पत्रकार गृह निर्माण समिति के संजीव पांडे अध्यक्ष, इरशाद अली बने उपाध्यक्ष, बहुमत वाली टीम ने दोहराया संकल्प। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर कतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरबा चौक बिलासपुर। तो ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों में। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद संजीव पांडे ने कहा, पत्रकारों के आवास का बहुप्रतीक्षित सपना पूरा करने का लक्ष्य प्राथमिकता में रहेगा। गुरुवार को पत्रकार गृह निर्माण सोसाइटी के संचालक मंडल ने सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष और इरशाद अली को उपाध्यक्ष चुन लिया। इससे पहले आशीर्वाद पैनल के 9 उम्मीदवार संचालक पद पर निर्वाचित हुए थे। बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन गुरुवार को किया गया। संचालक मंडल के विजयी 11 सदस्यों ने अध्यक्ष पद पर संजीव पांडे और उपाध्यक्ष के लिए इरशाद अली का नाम रखा। इस प्रस्ताव पर सभी के समर्थन पर दोनों पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। निर्वाचन अधिकारी गोपाल प्रसाद बिंद ने निर्विरोध चुनाव के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने अपेक्षा जाहिर करते हुए कहा, आपसी तालमेल और समन्वय से 5 साल का कार्यकाल सभी सफलता पूर्वक संचालन करेंगे। बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 236 में, जिसमें संजीव पांडे जी अध्यक्ष चुनाए गए निर्विरोध और उपाध्यक्ष में इरशाद अली खान अली जी बने, और इसमें मैं संचालक मंडल के समस्त सदस्यों को शाबाशी देता हूं कि बढ़िया शांतिपूर्णक और बिना विरोध के एक ही आवेदन आया, अध्यक्ष का भी उपाध्यक्ष का भी। अब ऐसी संयोग पूरा 5 साल बना रहे ताकि संस्था आगे फले फूले। बीते 23 नवंबर को संचालक मंडल के 9 सदस्यों के लिए चुनाव कराया गया, जिसमें आशीर्वाद पैनल के 8 उम्मीदवार विजयी हुए थे, जबकि पूर्व में ही महिला सदस्य के 2 पदों पर तारिणी शुक्ला और काजल किरण कश्यप निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने से संजीव पांडे ने कहा, पत्रकार साथियों को उनके आवास के लिए शासन से जमीन मिलने की लंबित प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष और अब उपाध्यक्ष बने इरशाद अली के मार्गदर्शन और संचालक मंडल के सहयोग का भरोसा जताया है। हम बहुमत से जीत के आए, 11 में से 9 डायरेक्टर हमारे हुए। उसके बाद मेरे सारे डायरेक्टरों का धन्यवाद कि उन्होंने बिना किसी चुनाव के, किसी मतदान के, सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया, और हमारे अग्रज प्रसाद भाई जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया। अब हमारी मेरी कमेटी जो है उसके लिए चुनौती यही है कि हमारे जो साथी हैं जो भूमिहीन हैं अभी, तो शासन हमारे पूर्व अध्यक्ष जी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को गति दें, हम वो भूमि लाएं और उनका भी आवास का सपना पूरा हो। सदस्यों समेत आशीर्वाद पैनल और बिलासपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने पदाधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत कर उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही बिलासपुर पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति का कार्यकाल शुरू हो गया है। कॉलोनी का विकास और अतिरिक्त भूमि की मांग पूरा करने से यह बिलासपुर के पत्रकारों के लिए संचित पूंजी साबित होगा, जिसका वे सपना पाले हुए हैं। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी की रिपोर्ट। बिलासपुर में आयुष्मान व्यय वंदन योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विशेष अभियान शुरू किया है। टीम वृद्धाश्रम, स्लम एरिया और रिटायर्ड एसोसिएशन जैसे स्थानों पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य कर रही है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए केवल आधार कार्ड लिया जाता है। विभाग का उद्देश्य है कि वृद्धजनों को मुफ्त सुविधाएं मिल सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सा सेवा के लिए आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े, जिससे वे अपनी बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्ग जनों का अलग से कार्ड बनाया जाना है, और उसमें उनको जो परिवार में जो 5 लाख का जो मिलता था जो BPL वालों को, उससे अलग से टॉप अप है कि उस व्यक्तिगत जो 70 साल से ऊपर पार किए हुए हैं उनके लिए लाभ मिलेगा 5 लाख के इलाज तक। तो इसके लिए हम लोग विशेष प्रयास करके
ये वय वंदना योजना के तहत 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं और जिसका बना हुआ है उसका अपडेट कर रहे हैं। इस खबर के साथ ही एक और ब्रेक लेंगे दर्शकों, हम जल्दी लौटते हैं। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, हम गहने नहीं विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ शुद्ध सोने एवं चांदी के आधुनिक डिजाइन के जेवरों का निर्माण एवं विक्रय किया जाता है, जिसमें सोने के कंगन, झुमके, सोने की चूड़ियाँ, अंगूठी, मांग टीका, नेकलेस व रानी हार, चांदी के बर्तन, मुकुट एवं और भी बहुत कुछ। तो इस फेस्टिवल को बनाइए कुछ स्पेशल। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, अत्तार प्लास्टिक के सामने, करोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द या दाश्त की कमजोरी, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध। ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ, प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर। के बाद आपका फिर से स्वागत है। 36 घंटे बाद कटनी रेल मंडल में रेल परिचालन पूरी तरह से बहाल कर दिया गया। भरमार टंक सेक्शन में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद युद्ध स्तर पर राहत और मरम्मत कार्य चलाया गया। गुरुवार को बिलासपुर रेल मंडल ने अप और डाउन लाइन पर परिचालन फिर शुरू कर दिया। दुर्घटना में अप और डाउन लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। परिचालन बहाल होते ही रद्द की गई ट्रेनें फिर चल पड़ी हैं। इससे कटनी दिशा की ओर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। डाउन लाइन कल ही चालू हो गई थी। डाउन लाइन से अप एंड डाउन दोनों मूवमेंट हो रहा था। अप लाइन भी आज सुबह 11 बजे चालू हुई है और अभी दोनों लाइन का मूवमेंट नॉर्मल हो चुका है। नहीं, कल और आज कोई ट्रेन कैंसिल नहीं है। रेलवे हमेशा हमारी अपनी सेफ्टी और हमारे पैसेंजर ट्रैक और अपनी असेट की सेफ्टी के लिए हमेशा ध्यान देता है। हमारी पूरी ये ध्यान रहता है कि हमारे पैसेंजर को सेफ जर्नी हम अवेलेबल करवा के दें। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में रीडेवलपमेंट कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना के तहत स्टेशन की ऐतिहासिक पुरानी इमारत को सुरक्षित रखते हुए उसे एक म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। रेलवे इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखने के साथ साथ यात्रियों को स्टेशन की ऐतिहासिक झलक प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त स्टेशन परिसर के गेट नंबर 1 पर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया शेड और डोम भी अब नहीं तोड़ा जाएगा। रेलवे ने इसे संरक्षित रखते हुए शेड के नीचे नई रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू करने की योजना बनाई है। नई रेलवे लाइन स्टेशन की पुरानी इमारत के सामने से गुजरेगी। इस पूरे कार्य का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है और जल्दी ही इसके क्रियान्वयन के लिए काम शुरू किया जाएगा। रेलवे का उद्देश्य स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करना है, जबकि ऐतिहासिक इमारतों की विरासत को भी सहेज कर रखना है। इतिहास हमें बहुत कुछ सबक देता है, शायद इसे धरोहर के रूप में इसलिए हम संरक्षित करते हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग भी इन्हीं में शुमार है। आप बने रहिए लोकसभा टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।